ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। हेलो, नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते, खूब खूब अभिनंदन आपको, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हो। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे। अभी आप स्वयं को वैसे 0.1 से आप सिल्वर आपका रह गया जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आप आपको दो प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कांस्य पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो मेडल लेके आई हो। जी सर, हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी, लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर, अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये ट्रेनिंग इतना अच्छा है, उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी सर, बिल्कुल, देश को भी उसका लाभ होगा। बिल्कुल सर। बाकी सब साथी एकदम प्रसन्न है, व्यवस्थाएं ठीक है सर वहाँ? सब बहुत खुश है सर, और अभी नमस्ते भी कह रहे हैं आपको। हमने भी कोशिश की है कि वहाँ इतना ज्यादा सुविधाएं मिले सब हमारे खिलाड़ियों को, खेल की दृष्टि से जो कम्फर्ट चाहिए सब देने का प्रयास तो किया है। अच्छा सर, अभी तो सब कुछ है हमारे पास, तो सारे प्रयास सफल रहे आपके, मुझे लगता है सब नहीं, नहीं, है। आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो घर पर बात हुई है रामकृष्ण जी से? अभी तो नहीं हुई सर, शाम को घर जाके करूंगी, जब रूम पे जाएंगे तब बात होगी घर पे। हाँ जी, हमारे पापा को बहुत खुशी होगी क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत प्रोत्साहित किया है। बिल्कुल, माँ भी और पिताजी भी और भाई भी। जी, चलिए मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पीएम मोदी ने ओलंपिक शुरू होने से पहले खिलाड़ियों से बातचीत की थी। आइए सुनते हैं कांस्य पदक विजेता मनु भाकर ने उस समय क्या कुछ कहा था। मेरा नाम मनु भाकर है, मैं शूटिंग में ही अभी दूसरा ओलंपिक मेरी इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी। 2018 में जो फर्स्ट एडिशन था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का, उसमें मैंने नेशनल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था, और वहीं से उसके बाद मैं टॉप्स के कोर ग्रुप में आ गई थी। और तब से बस ये था कि इंडिया की जर्सी चाहिए और इंडिया के लिए खेलना है, और खेलो इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो बहुत सारे लोगों को उसने एक मार्गदर्शन दिया है। और आई थिंक वहाँ से काफ़ी सारे एथलीट्स ऐसे हैं जो आज मैं अपनी टीम में देखती हूँ, मेरे साथ भी खेलते हैं और मेरे से जूनियर भी हैं, जो खेलो इंडिया से आए हैं। और उसकी एक बड़ी स्टेप होती है टॉप्स, जो मुझे 2018 से ही उसका सपोर्ट मिला है, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इनकी सपोर्ट की वजह से जो एक खिलाड़ी की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं वो उनका हल निकाल देते हैं। तो आई थिंक बहुत मेजर रोल प्ले किया है मेरे लिए तो खेलो इंडिया ने और टॉप्स ने। सो जी सर, जो आज मैं यहाँ हूँ मैं उसके काफ़ी हद तक उसका सहारा रहा है।